अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ वो मार्केट से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पूरे दिन कुछ बनाने का दिल नहीं जा रहा था और ये भी सोच रहे थे रोज़ाना एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, सोचा कि आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज का जो व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ वो पूरा घर से बाहर का है। हम लोग आए थे यहाँ बच्चों के कपड़े लेने के लिए सदर, और माशाल्लाह ये कोऑपरेटिव मार्केट थी, यहाँ पर सारे लड़कों के कपड़े मिलते हैं और बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो नौमान भाई लेकर आए थे कि चलो बच्चों के कपड़े लेने के लिए चलते हैं, तो हम यहाँ पर आ गए बच्चों के कपड़े लेने के लिए। और पहले हमने लिया सूट ज़ुमैर का, ज़ुमैर के सूट लेने के बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं राहिम का सूट। ले ले तुम्हारे लिए, तो पीछे तो करो, पीछे होके तो बात करो। अभी हम जो है वो तला के कपड़े लेने के लिए आए हैं, और वहाँ तला जो है वो भाजन के साथ लगा हुआ है कपड़े लेने के लिए। हमने यहाँ पे इसके ले लिया, अच्छी लग रही है, देख रही मेरे का मजा नहीं आ रहा। दोनों की लड़ाइयाँ हो रही है यहाँ पे, ये दोनों लड़ने में ही पूरे में मार्केटों में भी इन्हें चैन नहीं है, ये दोनों लड़ते रहते हैं। ये नए डिजाइन आए हैं मार्केट के अंदर चिप्पियों वाले, पता नहीं बहुत खराब लग रहे हैं, ये जगह जगह फटे रहे हैं, ये जगह जगह से फटे हुए हैं। मेरे अंकल से मुझे तो बोल रहे डिजाइन है, डिजाइन 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 इन लोगों ने फा रहे हैं और बोल रहे हैं डिजाइन है, डिजाइन है। और ये देखिए कैसे बैठा है, इनका सूट नहीं लिया अभी बैठे हैं, आपने सूट नहीं लिया, इज्जत हो रही है। यहाँ पर आए थे हमने सोचा बाहर भी देख लिया, नहीं ये इनका साइज नहीं है, फ्रंट से खुला हुआ हो अंकल। यहाँ आए थे तो हमें अबाये की दुकान भी दिख गई थी, तो सोचा क्यों ना अबाये के बारे में भी पूछ लें, क्योंकि अम्मी की जो लेंथ है वो हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होती है। तो खैर यहाँ पर भी अम्मी का अबाया तो जो था वो मिला नहीं। उसके बाद हम आ गए मदीना मॉल, मदीना मॉल में हम आए थे जर्नीश के लिए लेने के लिए। यहाँ पर आए तो सब इतनी फैंसी वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा फैंसी वैरायटी थी हर जगह। और फिर जो चीज़ हम लेने के लिए आए थे वो मिल नहीं रही थी, फ्रॉकें वगैरह मिल रही थी बहुत ज़्यादा, स्कर्ट ब्लाउज मिल रहे थे तो वो हमें ले नहीं रही थी, तो इसलिए जो है वो फिर हमसे विंडो शॉपिंग ही करके जो है वो यहाँ से निकल गए। और क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा फैंसी नज़र आ रही थी तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमें इतने हैवी कपड़े तो लेने नहीं थे बिल्कुल भी, नॉर्मल लेने थे। तो फिर हमने कहा चले अम्मी अब हम कहीं और से ले लेंगे। तो खैर यहाँ पर काफ़ी रश था, बहुत से लोग आए हुए थे लेने के लिए। और अब तो मार्केटों में लेट नाइट भी जो है वो रश हो रहा है, क्योंकि 15 रमज़ान जो है वो गुज़र चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे जर्नीश के लिए ही कपड़े, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फैंसी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, फ्रॉकें बहुत ज़्यादा थी, मुझे फ्रॉक नहीं लेनी थी। अभी शादी में भी जो ली थी वो सब यूं ही रखी हुई हैं। यहाँ पे जर्नीश बता रही थी कि मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं लेकिन घर वालों को कुछ पसंद नहीं आ रहा। बच्चे अपने लिहाज से चीज़ पसंद करते हैं और जब हम उन्हें पहनाते हैं तो वो फिर उसके अंदर कोई ना कोई नखमीने निकाल ही देते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए नहारी खाने के लिए तारिक रोड जायद की, और यहाँ पर मौजूद थी नौमान भाई की फैमिली, मैं, अम्मी और कवल, साथ में तला और राहिम थे। और यहाँ पर बस हम लोगों ने खाना खाया, बहुत ही मज़ेदार नहारी थी। और आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।